कर रही हो तुम? हाँ अक्कल भी है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती, इसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे कर रही हो तुम। एक गुनाहगार को मारकर तुम भी तो गुनाहगार बन रही हो ना श्रद्धा? जो लोग रुक रुक कर बोलते हैं ना उनके मन में मैल होता है। दिखा दिया ना तुमने अपना असली रूप, देखो ना मेरे बिहान की क्या गति बना दी है इसने। लाओ तो इधर लो। व्हाट? सूरज कहां से निकला आज? ये बुढ़िया सास अपनी ही लाठी बहू के खिलाफ। नॉट बैड श्रद्धा, तेरी तो लाइफ सेट है। वसुंधरा जी, आप इस तरह अचानक, और फोन पर आपने कुछ बात हुई थी तो बताया भी नहीं, और ये क्या है इस तरह से गुस्से में? थपकी के लिए बाबूजी, और किसके लिए? एक्चुअली मैंने मम्मी जी को बताया कि कैसे हमारे घर में आ गई थी और अभी कैसे जा रही थी, पर इतनी देर में वो गिर गई ना सीढ़ियों से, तो मम्मी जी बस उसकी जो स्टिक है वो हटवा रही थी, क्योंकि मम्मी जी को लगता है कि अगर थपकी स्टिक के साथ चलेगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी ना, इसलिए बस वो स्टिक ऐसे फेंक दी और कुछ नहीं। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आप तो हमें भूल ही गए, लेकिन हम आपको रोज याद करते थे। तुम्हारे लिए तुम्हारी पगले आ गई हूँ। कैसे हो दादी? आपने तो कहा था आप जल्दी आओगी, फिर इतना दिन क्यों दादी? इतने दिन तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता था। अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पक्का। ये बानी है, इनकी बेटी। अरे नहीं नहीं, बस बस बेटा, मम्मा बताती है कि मेरी दादी भी ना बहुत अच्छी है, पर आप तो उनसे भी ज्यादा अच्छे हो। जब तक मेरी दादी मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मैं आपको दादी बुलाऊं? हाँ, मेरी दादी तुम्हारी दादी। दादी सुना मोती होते हैं, आप इन्हें बेकार मत किया करो दादी। ठीक है खजा, जानती थी मेरे बिहान की बेटी
बिल्कुल उसी की छवि होगी। बड़ी सासू माँ, आज आप इतने दिनों बाद घर वापस आई है तो सब कुछ ना खाने में आपके पसंद का बनेगा। हाँ बड़ी सासू माँ, मैं ना आपके लिए एकदम औसम वाला खाना बनाऊंगी अपने औसम वाले हैंड से। फिर तो बड़ी सासू माँ को भूखा ही रहना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं ही यहाँ पे ना औसम वाला खाना बनाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, यक्की खाना बनाओ। सबको बताए कौन कैसा खाना बनाओ। हाय राम जी, अभी तक नहीं सुधरी तुम दोनों, अरे बड़ी हो जाओ। दादी आप हमारे लिए कुछ लाए हो, कोई तो गिफ्ट लाए होगे ना। अरे बच्चों हो, दादी कभी खाली हाथ आ ही नहीं सकती। ध्यान जरा बच्चों को ले जाओ, इनकी अटैची ले जाओ और बच्चों को उनका गिफ्ट दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, और हम अपना गिफ्ट भी ले लेते। चलो 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 बच्चों। टीना बानी, तुम मेरा गिफ्ट ले लेना, मेरी दादी तुम्हारी दादी, इसीलिए मेरा गिफ्ट तुम्हारा गिफ्ट। तो चलो आ जाओ। माँ ध्रुव, अरे नहीं किधर आ तू? कैसे हो माँ? नहीं छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं सब जानती हूँ बेटा, श्रद्धा ने मुझे सब बता दिया है, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस लड़की का साया हमारे परिवार पे है और खास करके बिहान पे पड़े। इसलिए जैसे ये ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद इसे घर से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? माँ क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि बिहान को कोई भी तकलीफ हो, और अदिति के गुनेगारों को भी मैं रोज नहीं देख सकता। कल तो थपकी का मुंह देखने लायक था शंकर, और वो बुढ़िया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसने हमारी साइड ली। मतलब उसने खुद थपकी को घर से जाने के लिए बोल दिया। उद्धव जी और बुढ़िया, ये दोनों ने थपकी को सर पे चढ़ा रखा था ना, अभी दोनों ने ना उसको पैर के नीचे दबा दिया है। अब आएगा असली मजा, जब तक थपकी इस घर में है वो फूसड़ बुढ़िया अपनी लाडली बहू का जी ना आराम करेगी। श्रद्धा। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हें किसी से मिलाना है। मुझसे? आइए, पहचाना है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये कौन है। अरे ये देश के जाने माने चित्रकार हैं, गिरिराज महान। इनके बनाए चित्र देश विदेश में करोड़ों में बिकती है। मैं इन्हें तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की सबसे आदर्श और सुशील बहू हो, तो बस मैंने सोचा कि हमारे घर के हाल में तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर होनी चाहिए। ये तुम्हें बनाएंगे, बनाएंगे ना? हाँ बनाएंगे बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आसमान से जमीन पर उतर आई हो। हमका कोई अप्सरा से कम है का? नहीं, नहीं, तुम अप्सरा नहीं हो, तुम तो हुस्न परी हो। तो फिर देरी काहे बात किया, चलिए ना फिर बनाते हैं। लेकिन सुनो महान जी ना, अनुशासन का कड़ाई से पालन करते हैं, जहाँ बिठा दे या खड़ा कर दे बस वहीं वैसे ही खड़े रहना, नहीं तो बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं। और जब तक दोनों को हम बना नहीं लेते, दोनों में से कोई भी हिलेगा नहीं। आप जैसा मुझे बिठाएंगे खड़ा कराएंगे मैं वैसे ही रहूंगी। मम्मा क्या मस्त आईडिया है। पर तुम दोनों ठीक से एक्टिंग कर लोगे ना? हाँ मम्मा, बहुत अच्छी वाली एक्टिंग करेंगे पक्का। वेरी गुड, तो जैसा मैंने बताया वैसे ही करना, और एक बात याद रखना, ये हमारा टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं। ओके
अरे टीना, ऐसा कौन सा प्ले है जो सीक्रेट है? अगर सीक्रेट बता दिया तो प्ले देखने में मजा नहीं आएगा ना, आप भी जरूर देखना। हाँ हाँ, हम तो जरूर देखेंगे। वैसे भी प्ले तो हमें बहुत पसंद है, हम तो जब से टीना छोटी तब से उसके साथ नाटक ही करते रहते हैं। अच्छा चलते हैं। लेकर आते हैं। अरे मैंने कहा आप इनके बगल में खड़े रहिए और आप अपना ये चेहरा थोड़ा ऐसा कीजिए, ऐसे और थोड़ा ऐसे, थोड़ा और, ये बराबर है। और आप इनके कंधे पे हाथ रख के खड़ी रहिए। क्या कर रही हो तुम शंकर? ठीक है, सॉरी सॉरी। और चेहरा ऐसा इस तरफ, और हाँ बराबर सही है। अब मैं तस्वीर बनाऊंगा आपकी। महान जी आप बनाइए, मैं जाती हूँ। कॉकरोच वहाँ? कॉकरोच कहाँ है? वहाँ पे। चला गया क्या? हाँ चला गया, अब आप आंखें खोल सकती हैं। बिहान सच बोल रहे हो ना? हम झूठ बोल भड़की, ये ऊपर वाले का भी कैसा न्याय है ना? छोड़ी बनाई, प्यार भी कराया, पर दोनों को एक साथ कभी रहने नहीं देते। डोंट वरी छुटकी, इन दोनों को देख के जब हमारा दिल मेल्ट हो गया है तो गॉड का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। महान जी, और कितना वक्त लगेगा पेंटिंग बनाने में? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो बहुत तेज लग रही है, बैंड बज गया। पसीने के मारे तो बदन में खुजली भी हो रही है, कहीं अब बोले तो हम हाथ लगे खुजली कर लेगा। जाओ, मैं बनाता ही नहीं पेंटिंग। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 शंकर, कंट्रोल योर खुजली यू इडियट। आप हम महान लोगों की तस्वीर बनाइए बनाइए बनाइए, हम नहीं लेंगे। ओए मां ओए मां ओए मां, गांव से फोन है, मैं अभी आता हूँ। ओह कूल, तब तक हमारा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, ये तो मेरा कलाकार दिमाग खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, आप फोन अटेंड करके आइए, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हेलो श्रद्धा, तस्वीर बने या ना बने पर हम दोनों की ना पत्थर की मूर्त जरूर बन जाएगी। तुम तो गुरु माँ हो, कुछ तो करो। क्या करूँ? अरे वीर, इधर तो आओ ना जरा।
को वीर बेटा बेटा मम्मी की नाक पे ना बहुत तेज खुजली हो रही है बेटा खुजा दे तो प्लीज आपके हैंड है ना आप खुद खुजा लो ना अरे जितना बोलो उतना करना प्लीज खुजा दे बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा प्लीज इधर 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 एक बार और व्हाट अ रिलीफ अब गर्दन पे भी खुजली कर दे बेटा अरे बेटा हम तुम्हारी चाची है दुश्मन थोड़ी ना है जरा हमारा भी नाक के ऊपर खुजा दो ना आप क्या एंड रहे ना आप खुद खुजा लो ना अंदर इतना अच्छा नाटक शुरू होने वाला है मुझे देखने जाना है क्या कैसा नाटक भी थपकी आंटी टीना और मानी के साथ एक प्ले करने वाली है वो तो शुरू भी हो गया होगा मुझे वो देखना है बाय बाय वीर 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 थपकर थपकी और नाटक ये कौन सी नई चाल चल रही है थपकी अरे हमको अंदर जाना चाहिए पर कैसे एक खड़ूस कलाकार का दिमाग बिगड़ गया तो और वसुमा वो भी कैसे जाएंगे हम अंदर हाँ यार वो बुढ़िया भी बड़ी मुश्किल से झांसे में आई है उसको पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा क्या करे शंकर हाँ एक आइडिया है का वो दोनों जितना दूर हुए उतने ही करीब आते गए उनका प्यार उतना ही बढ़ता गया बिहान को सब कुछ याद दिलाने के लिए ये कर रहे हैं अगर उसे सब कुछ याद आ गया ना तो हम दोनों की तस्वीर हॉल में लटकने के बजाय हम दोनों खुद फांसी में लटक जाएंगे उसे कुछ याद नहीं आना चाहिए और हार गए प्यार के दुश्मन क्योंकि वो दोनों एक बार फिर से साथ मुश्किलों से लड़ने के लिए और थाम लिया एक दूसरे का हाथ इस नाटक से कोई बड़ा नाटक करना पड़ेगा हमें फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.